और अब बात महारण 2024 की, लोकसभा चुनाव को लेकर दूसरे चरण का नामांकन जारी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, बीएसपी प्रत्याशी नंदकिशोर पुंडीर ने किया नामांकन। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। तो लगातार जो दिग्गज हैं वो अपने नामांकन पर्चा दाखिल करते हुए, इस बीच आपको ये बड़ी खबर, दूसरे चरण के लिए बीएसपी प्रत्याशी नंदकिशोर पुंडीर ने भी नामांकन दाखिल कर दिया है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर दूसरे चरण के नामांकन लगातार जारी है, दिग्गज अपना नामांकन पत्र दाखिल कर रहे हैं। दूसरी तरफ तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो अपनी अपनी चुनावी विसात को जनता के बीच उछाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी कड़ी में बीएसपी प्रत्याशी नंदकिशोर पुंडीर जो कि मैदान में उतारे गए हैं, उन्होंने भी अपना नामांकन दाखिल कर लिया है। नामांकन के दौरान की ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव को लेकर दूसरे चरण का जो रण है वो लगातार, जो सियासी पारा है वो मिशन 2024 को लेकर चढ़ा हुआ है। तमाम राजनीतिक दल धरातल पर उतरकर लोगों के बीच जाकर अपने तरीके से प्रचार प्रसार में जुटे हैं और लगातार नामांकन प्रक्रिया भी जारी है। तो यहां नंदकिशोर पुंडीर ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, बीएसपी से प्रत्याशी हैं। और तो आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव का रण जो है वो शुरू हो चुका है और सभी राजनीतिक पार्टियां अपने प्रत्याशी के नामांकन दाखिल करवा रही है। गाजियाबाद से बीएसपी ने ठाकुर नंदकिशोर पुंडीर पर भरोसा जताया है। ठाकुर नंदकिशोर पुंडीर ने गाजियाबाद से नामांकन दर्ज किया है और गाजियाबाद लोकसभा सीट से जीत का दावा भी किया। उन्होंने कहा कि गाजियाबाद के सभी मुद्दों को लेकर मैदान में उतरेंगे और हर जाति वर्ग और धर्म का ध्यान रखेंगे। नामांकन के बाद उन्होंने न्यूज स्टेट संवाददाता से भी बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुनिए। गाजियाबाद से बीएसपी के लोकसभा प्रत्याशी ठाकुर नंदकिशोर पुंडीर द्वारा नामांकन दर्ज कर दिया गया है और नामांकन करने के बाद वो बाहर निकले हैं, सीधा उनसे बातचीत करते हैं। पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बीएसपी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरी है लोकसभा चुनाव के अंदर, गाजियाबाद ही नहीं पूरे प्रदेश की हम बात कर लें, क्या कुछ कहेंगे? पहली बात तो गाजियाबाद को लेकर आपके क्या मुद्दे हैं, वो पांच मुख्य मुद्दे मैं चाहूंगा आप गिनवाएं। गाजियाबाद के जो मुख्य मुद्दे हैं अपना प्रदूषण का है, सीवरेज समस्या जो बरसात के समय में होती है और ट्रैफिक जाम की है, और जो मेजर समस्या है आज की बेरोजगारी है, महंगाई है, ये सारी समस्या आज की डेट में जो उनको समाधान करेंगे अपनी सरकार आने के बाद। लेकिन मुद्दे ही मुद्दे हैं आपका कहना है? हाँ, मुद्दों कोई कमी नहीं है, मुद्दे मुद्दे हैं। आप अपने कौन से वो मुद्दे बताना चाहेंगे कि अगर आपको गाजियाबाद की जनता चुनकर लोकसभा भेजती है तो आप क्या काम कराना चाहेंगे गाजियाबाद में? जो मुद्दे हैं उन सभी मुद्दों पे ही काम होगा, उनका समाधान होगा। और दलित, अति पिछड़ा, स्वर्ण मुसलमान भाई, सभी बिरादरी पे समान कार्य होगा, किसी की अनदेखी नहीं करी जाएगी जो आज अनदेखी हो रही है। अनदेखी की आप बात कर रहे हैं, गाजियाबाद की हम बात करें, जो गाजियाबाद के अंदर जो वोटर है उनसे क्या अपील करेंगे कि आपको वोट दें और क्यों दें? जो प्रमुख मुद्दे मैंने आपको बताया है उन्हीं के बिहाफ पे हम बात करेंगे और हमें पूरी उम्मीद है पब्लिक हमारा समर्थन करेगी और ये हमें पूरी ग्राउंड रिपोर्ट मिल रही है, इस बार हम यहाँ से जीत रहे हैं। चलिए, आपने अपनी जीत की बात पहले ही कह दी है, तो दूसरी बात ये शुभकामनाएं आपको मैं पहले भी दे चुका हूँ, लेकिन मैं ये भी जानना चाहूंगा जब पब्लिक के बीच में आप ग्राउंड में पहुंचेंगे तो आप नामांकन तो कर ही चुके हैं, तो उस बीच ये भी मुद्दा उठेगा कि मुजफ्फरनगर से आप आए, हालांकि आपकी ससुराल धुलाना ही लगती है, तो उसको लेकर लंबे टाइम से ही रह रहा हूँ गाजियाबाद में ही रह रहा हूँ, तो हर एक पहलू से वाकिफ है गाजियाबाद के। बिल्कुल, गली गली से वाकिफ है जी, गली गली से वाकिफ है। कॉलोनी का नाम पूछ सकते हैं मेरे साहब, सभी कॉलोनी के नाम भी आप जानते हैं, तो जनता के बीच उन्हीं मुद्दों को लेकर आप उतरेंगे जो आपने, जो लोकल मुद्दे सब पता है मुझे यहाँ पे, लोकल मुद्दों को लेकर जनता के बीच में उतरेंगे। साफ तौर पर इनका कहना है, ठाकुर नंदकिशोर पुंडीर थे हमारे साथ बातचीत में, जिन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है, मुजफ्फरनगर से आते हैं, ससुराल गाजियाबाद की जो धुलाना है वो लगती है, यहाँ की हर एक गली से वाकिफ है, ऐसा इनका कहना है, और ये अपनी जीत को लेकर भी यहाँ पर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट गाजियाबाद। तो गाजियाबाद से बीएसपी ने ठाकुर नंदकिशोर पुंडीर को मैदान में उतारा है, उन्होंने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया है। ग्राउंड पर किस तरह से समीकरण फिट बैठ रहे हैं जानकारी के रूप